बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास कराया गया। पुलिस कर्मियों को दंगाइयों से निपटने के लिए विभिन्न तरीके के गुर सिखाए गए तथा रिहर्सल के दौरान भीड़ को तितर बितर करने के भी विभिन्न तरीके बताए गए। पुलिस कर्मियों द्वारा मुस्तैदी के साथ दंगों को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग विधि का प्रदर्शन किया गया। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर की देखरेख में पुलिस कर्मियों द्वारा दंगा नियंत्रण का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस कर्मियों को दो गुटों में बांटा गया, जिसमें एक गुट दंगा करने वाला और दूसरी तरफ पुलिस कर्मी थे। उपस्थित अधिकारियों के निर्देश पर मॉक ड्रिल शुरू हुआ। आंदोलन कर रहे दंगाइयों द्वारा आक्रोशित होकर आगजनी और पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। सूचना पर पुलिस विभाग की अलग अलग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दंगाइयों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों को दौड़ा लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी का प्रयोग किया। इसके बाद भी दंगाई नहीं हटे। पुलिस कर्मियों द्वारा मजिस्ट्रेट की अनुमति से लाठी चार्ज किया गया। इसके बाद आंसू गैस के गोले और दंगाइयों पर रबर की बुलेट फायर कर दंगाइयों को तितर बितर किया गया। आज जनपद बुलंदशहर की पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण योजना का अभ्यास किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस बल को बुलाया गया था। पुलिस लाइन का फोर्स था, मजिस्ट्रेट थे, सीओज थे और सभी कर्मचारियों को दंगा नियंत्रण की सारी कार्य योजना के अनुरूप कार्रवाई का प्रशिक्षण भी दिया गया, अभ्यास भी कराया गया। इसके बाद पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा बुलंदशहर नगर क्षेत्र के जो संवेदनशील स्थान है, अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कानून व्यवस्था की और उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता हो, तो कहाँ किस पॉइंट पर कौन से लोग जाएंगे, क्या एहतियात, क्या सावधानी बरती जानी है, उसके संबंध में मौके पर प्रशिक्षित किया गया। तो पूरे मनोयोग के साथ और आत्मबल के साथ पुलिस की टीम द्वारा जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक नगर सहित समस्त क्षेत्र अधिकारियों द्वारा रबड़ की बुलेट के साथ निशाना भी लगाया एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों को परखा गया। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र के मुख्य चौराहों, मार्गों, स्थानों पर भी दंगा नियंत्रण करने हेतु मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।